बहुत से लोग इस माइंडसेट के साथ काम पर जाते हैं कि एक लीडर बनने के लिए उन्हें कंपनी की हायरार्की लेडर पर काम करते हुए वो पोजीशन या टाइटल मिल भी पाएगा या नहीं जिसकी वो तलाश कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि उस टाइटल को अचीव करने के बाद ही हम लीडर बन सकते हैं। पर दोस्तों, ये गलत तरीका है। लीडर वो पर्सन होते हैं जो पसंद ना भी होने पर वो काम करते हैं जिन्हें करने के लिए एक फेल्ड इंसान तैयार नहीं होता है। ये कहानी एक यंग आर्मी वेटरन की है दोस्तों, जो सोसाइटी में वापस लौटता है और अपने काम और अपने जीवन के मीनिंग को ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इस तलाश में उसे टॉमी फ्लिन नाम का एक एनर्जेटिक गाइड मिलता है, जो एक दिन उसे चार यूनिक इंडिविजुअल से मिलवाता है। ये मेंटर उस आर्मी वेटरन की लाइफ में फिर से जान भर देते हैं। वो उसकी लाइफ में मीनिंगफुल काम करने और एक लाइफ पर्पस को ढूंढने में उसकी मदद करते हैं। इनमें से हर पर्सन ऐसी सिचुएशन में काम करता है जैसे कॉमन समझ के आधार पर एक लीडरशिप पोजीशन नहीं माना जाएगा। कुछ प्रमुख प्रिंसिपल्स को समझाती है दोस्तों, जो एवरेज लोगों को एक सच्चा लीडर बनने में मदद कर सकते हैं। स्ट्रेस को हराने के लिए एक रियल वर्ल्ड के तरीके, एक अनबीटेबल माइंडसेट को बनाने, एनर्जी को एक्सप्लोर करने और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी लाइफ की किसी भी प्रेजेंट सिचुएशन के बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह होता है दोस्तों कि आपके पास लीडरशिप दिखाने की पावर होती है। जहां भी आप अपने करियर या जीवन में हैं, आपको हमेशा अपनी एक्सट्रीम पोटेंशियल को यूज करना चाहिए कि किस तरीके से उस चौंका देने वाली पावर को पाया जा सकता है। साथ ही साथ आप कैसे इस प्रोसेस में अपने जीवन को और अपनी आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं, पीछे की ओर काम करें। आइए दोस्तों, इसको डिटेल में समझते हैं। यदि आप अपनी विरासत के बारे में सोचना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि आपको किस तरीके से याद किया जाएगा, तो इसको करने का सबसे अच्छा समय आपका आखिरी दिन नहीं बल्कि आज है दोस्तों। इस तरह आप अपने जीवन के अंत को ध्यान में रखकर काम करेंगे और ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपका अंत अच्छा होगा। यदि आप ज्यादातर लोगों की तरह सोचना पसंद करते हैं, तो आप शायद ही कभी सोचेंगे दोस्तों कि आप किस दिन मरेंगे। वास्तव में ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हम में से अधिकांश लोग बचने की कोशिश करते हैं। आखिर अपने अंत के बारे में कौन सोचना चाहेगा भला। खैर, ये बुक सजेस्ट करती है कि जो लोग अपने जीवन में कोई महान काम करना चाहते हैं, उन्हें अपने एंड के बारे में सोचते रहना चाहिए। लेकिन हमें इसे चिंता या नेगेटिविटी की जगह एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह देखना चाहिए। तो दोस्तों, इसे इस एग्जाम्पल से समझे कि अगर आप बिना फ्यूल को चेक करें अपनी कार में बैठते हैं और उसे तब तक चलाते रहते हैं जब तक सारा फ्यूल खत्म ना हो जाए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा दोस्तों? आपकी कार होगी, आपका रास्ता होगा, ये शायद दूसरे ड्राइवर्स? बिल्कुल नहीं ना दोस्तों। तो इसका जवाब आसान है और कोई भी आसानी से इसे बता सकता है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को भी इस कार की तरह देखते हैं, तो इसकी प्लानिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको खुद ही लेनी होगी। आप इसके लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं दोस्तों। एक पुरानी कहावत है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन की प्लानिंग करने की जगह अपनी छुट्टियों की प्लानिंग करने में अधिक समय बिताते हैं। कि अगर आप अपनी डिटेल्ड प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम अपनी लाइफ की फाइनल मंजिल का प्लान तो बनाइए दोस्तों। इस बारे में सोचे कि आपको कैसे याद किया जाना चाहिए और आप कैसी विरासत को छोड़ना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप अपने जानने वालों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए अपनी लाइफ को किसी चीज के लिए याद रखे जाने की यूनिवर्सल इच्छा तो रखते ही होंगे। यही लीडरशिप है दोस्तों, आपके आसपास के लोगों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की इच्छा, उन्हें आपसे मिलने के बाद पहले से बस थोड़ा सा और बेहतर जीवन जीने के लिए इंस्पायर करना। सच्ची लीडरशिप का टाइटल पोजिशन या धन से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका मतलब एक ऐसा पर्सन बनना होता है जिस पर लोग भरोसा करें और उसकी तरह बनने की कोशिश करें। दूसरों को ध्यान से सुने। आइए दोस्तों, इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सभी मनुष्यों की सबसे गहरी भूख है कि उन्हें समझा जाए। इन लाइंस को आपने कई बार सुना होगा कि आपके रिश्ते जितने गहरे होते हैं, आपकी लीडरशिप उतनी ही मजबूत होती है दोस्तों। जब आपसे मिलने वाले हर एक पर्सन को बेहतर, खुशहाल और अधिक कनेक्टेड बनाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें वैल्यूएबल महसूस होता है। जीवन के सभी एरियाज में गहरे रिलेशनशिप को बनाने के लिए समय देना आपको आने वाले सालों में बहुत मदद करता है दोस्तों। लेकिन वास्तव में आप जिन्हें प्यार करते हैं, उन्हें सुनने में आप कितना समय देते हैं? लोगों को आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन देने में आपका कुछ भी खर्चा नहीं होता है दोस्तों। और फिर भी हमारी दुनिया में हम कम से कम समय ही लोगों को सुनने में बिताते हैं दोस्तों।
उन लोगों की बातों को भी जिनकी हम सबसे ज्यादा देखभाल करने के वादे करते हैं, क्योंकि समझा जाना और सुना जाना सभी मनुष्यों की बेसिक इच्छाओं में से एक है और आप लोगों को इसे आसानी से दे सकते हैं। इसके लिए आपको उनको सुनते वक्त अपने मुंह को बंद करके और अपने लैपटॉप या मोबाइल को साइड में रखकर सामने वाले के एक्सप्रेस किए जा रहे शब्दों और विचारों पर फोकस करना होगा। सिर्फ इस छोटे से काम को करके आप लोगों के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं दोस्तों। ये सब कुछ थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन मांगता है और उस मूवमेंट में प्रेजेंट होने के लिए आपको खुद को पुश करना पड़ता है, पर इसे आजमाएं। वास्तव में अगली बार जब कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और वो आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हो तो उसको ध्यान से सुने और अपनी लीडरशिप को डेवलप करें दोस्तों। लीडरशिप की वोकैबुलरी को जाने, आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों लीडर्स की एक खास आदत होती है, वे गपशप यानी कि गॉसिपिंग नहीं करते हैं, वो शिकायत नहीं करते हैं, वो कंप्लेन नहीं करते हैं दोस्तों, और वे कभी शपथ भी नहीं लेते हैं। हाँ, वे केवल उन्हीं वर्ड्स का उपयोग करने की पूरी कोशिश करते हैं जो दूसरों को इंस्पायर करे, कनेक्ट करे और ग्रो करने में मदद करे। तो ये समझिएगा दोस्तों, लीडर्स शपथ नहीं लेते हैं यानी कसमें नहीं खाते हैं। आपके जीवन में आप ऐसे कितने लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं या उनको फॉलो करना चाहते हैं जो गॉसिप, शिकायत या कसमें खाते हैं दोस्तों? शायद किसी को भी नहीं ना, मगर हम सभी ऐसा करते हैं। हम अपने कवच में फ्रस्ट्रेशन से भरी बातें करके या चिंता करके खुद दरारें डाल देते हैं। हालांकि वो लीडर्स जिन्हें हम देखते हैं जानबूझकर ऐसी घटनाओं के नंबर्स को कम करने पर काम करते रहते हैं। शिकायत और नेगेटिव बातों की कोई वैल्यू नहीं है और लीडरशिप वैल्यू प्रदान करने के बारे में होती है दोस्तों। जितनी बार हो सके और जितने अच्छे तरीके से हो सके, उतने अच्छे तरीके से लीडर्स लोगों को इंस्पायर, एंगेज और ग्रो कराते हैं। एक महान नेता होने के लिए पहले हमें एक महान इंसान बनना पड़ता है। अपने इंटरनल लीडर को ट्रेन करना और मजबूत करना आपको असाधारण लेवल्स पर परफॉर्म करने में मदद करेगा। इसकी कुंजी यानी इसका सॉल्यूशन खुद को लीड करना सीखकर होता है दोस्तों। हमारी दुनिया में हम अपने पास मौजूद चीजों से सफलता को डिफाइन करते हैं, ना कि उस पर्सनालिटी से जो हमने पाई है। हम जितना अधिक खुद के बारे में अवेयर रहेंगे, हमारी डेवलप होने की पॉसिबिलिटी उतनी ही अधिक होती है। इसका सबसे अच्छा तरीका दूसरों को ग्रो करने में मदद करना होता है। एक सफल सेल्स प्रोफेशनल ने एक बार बताया था कि एक प्रोस्पेक्ट के सामने आप जो कुछ भी कहते हैं वह आपको आपकी सेल से या तो एक कदम आगे ले जाता है या एक कदम पीछे ले आता है। यह आर्ग्यूमेंट एकदम सही है दोस्तों। आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द आपके आसपास के लोगों को प्रभावित कर रहा है, इसलिए हमें उन पॉजिटिव शब्दों और संदेशों को सुनना चाहिए जिनके लिए हमें याद किया जाए। मुश्किल समय महान लीडर्स को डेवलप करता है। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। दोस्तों बिजनेस और लाइफ दोनों में चुनौतीपूर्ण समय के आने पर हमें खुद के बारे में जानने और बदलने के लिए महान मौके मिलते हैं। प्रॉब्लम्स और मुश्किल दिन वास्तव में हमारे लिए अच्छे हैं। हाँ दोस्तों, मैं फिर से दोहराता हूँ, प्रॉब्लम्स और मुश्किल दिन, स्ट्रगलिंग डेज हमारे लिए वास्तव में बहुत अच्छे हैं। इस कहानी में टॉमी ब्लेक के फादर के दोस्त थे और उन्हें अपनी लाइफ में कुछ अमूल्य एक्सपीरियंसेस मिले थे और इसी वजह से उन्होंने ब्लेक का मेंटर बनना एक्सेप्ट किया था। टॉमी अपनी लर्निंग को ब्लेक के साथ शेयर करा करते थे। उन्होंने बताया था कि कई बार जब हम अपनी लाइफ में भटक जाते हैं तो उसकी वजह से ही हम उस डायरेक्शन की ओर मुड़ पाते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए होता है। कभी कभी हमें अपने ट्रैक पर वापस आने के लिए क्लैरिटी को डेवलप करने से पहले पुराने ट्रैक को बंद करने की जरूरत होती है। अक्सर जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं तो हमारा विजन धुंधला हो जाता है और हम केवल वही बातें देख पाते हैं जो हमारे सामने होती है। ऐसे समय में हम अपने लॉन्ग टर्म विजन या दूर दृष्टि को खो देते हैं। हम उस सिचुएशन में छोटी छोटी डिटेल्स पर फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन खुद का एनालिसिस करके और सिचुएशन को डिटेल में समझकर हम खुले दिमाग के साथ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट कर सकते हैं और उनसे सीखते हुए अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। चाहे हम किसी भी पोजीशन पे हों या किसी भी सिचुएशन में हों, इन प्रिंसिपल्स की मदद से हम आसानी से लीडरशिप को हासिल कर सकते हैं। हम सब में एक बेहतर लीडर बनने के पोटेंशियल होते हैं। हमें इसके लिए किसी पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके लिए बस हमें सिचुएशन में इन्वॉल्व होने की इच्छा और एक पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट करने का कमिटमेंट होना चाहिए।
हर वो इंसान और एक्सपीरियंस जो हमारे सामने आता है वो हमें अपने बारे में कुछ सीखने और हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। पर इसके लिए हमें अपने विचारों को ओपन रखने की जरूरत होती है। यदि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और लगातार इस पर काम करते हैं तो खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे दोस्तों। इस प्रोसेस के साथ एक पर्सन के रूप में ग्रो भी करेंगे। यह प्रोसेस ना केवल आपके करियर में बल्कि आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप और खुशियों के लेवल को भी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स हासिल करने में मदद कर सकता है। सभी ह्यूमन पोटेंशियल में से सबसे इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल यह चूज करना होता है दोस्तों कि हम अपने भीतर पाए जाने वाले एनवायरनमेंट के प्रति कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। और जब हम इसे बेहतर तरीके से करते हैं तो हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को डिलीवर कर सकते हैं। कि लीडरशिप अब कॉरपोरेट लीडर को अचीव किए जाने वाला एक फिक्स्ड लेवल नहीं होता है। लीडरशिप आपके आसपास के लोगों की ग्रोथ के लिए आपके प्लेटफॉर्म या दूसरे वर्ड्स में आपकी जॉब, सोशल ग्रुप, ऑनलाइन कम्युनिटी एक्सेट्रा को यूज करने का काम है। यह आपके खुद के लिए यूनिक तरीके से वैल्यू को डेवलप करने के बारे में है, एक पॉजिटिव डिफरेंस को लाने के बारे में है, और ऐसा करते हुए खुद की लाइफ को प्रॉस्पर करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के बारे में है।